जय हिंद। जो बिहार पुलिस के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा भाई डायरेक्टर रोशन आनंद सर के द्वारा जो बिहार पुलिस के ये जो दो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम के पेपर पर यह आधारित प्रश्न सेट चलाया जा रहा है। तो आइए, अगर पीडीएफ इसका चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एज अ क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन का डिस्कशन भी कराया जाएगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो जुरासिक काल से हुआ था गोंडवाना लैंड का टूटने का, और इसी काल को जो डायनासोर का विकास हुआ था। और यहीं देख लेते हैं, आपका डकन ट्रैप का निर्माण हुआ था जो क्रिटेशियस युग में जो डकन ट्रैप का निर्माण हुआ था। उत्तर प्रदेश का इटावा नगर किस नदी पर स्थित है? इटावा नगर जो यमुना नदी पर स्थित है, जो यमुना नदी पर आगरा, मथुरा और इटावा है, यहीं गंगा पर देख लेते हैं बनारसी, कानपुर, फतेहपुर और कौनेज शहर है। गोमती नदी पर लखनऊ, जौनपुर है। राप्ती नदी पर गोरखपुर है। इस प्रकार आपकी एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी शहर किस नदी के तट पर बसा है, तो आप बताइए बिहार के राजधानी पटना किस नदी पर बसा हुआ है, कमेंट कीजिएगा। देश में मैग्रो वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 0.15% है। यह 2021 के जनगणना के अनुसार इनका क्षेत्रफल जो 4,992 किलोमीटर है। आपका ऑप्शन सी होगा। परामणि क्रांति का संबंध किससे है? परामणि क्रांति का संबंध किससे है? जो भिंडी उत्पादन से है, भिंडी उत्पादन से, केसर उत्पादन से, जो केसर का है। क्यूपर बेल्ट का संबंध सत्य कथन है, इनमें देखते हैं यह बर्फ से निर्मित होता है, सही है। इसी बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन बर्फ पाया जाता है, सही है। इसकी खोज 1992 में हुआ था, सही है। उपयोग सभी आपका ऑप्शन डी होगा। कपास का जन्म स्थान माना जाता है, कपास कहाँ से प्रथम बार मिला था? जो मिस्र से मिला था, मिस्र से प्रथम बार कपास मिला था। जो यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक उपजाऊ होता है कपास। पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है, पाकिस्तान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? जो फैसलाबाद को कहा जाता है। तो आप कमेंट में कीजिए भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। सेमरी क्रम की चट्टान पाई जाती है, सेमरी क्रम की चट्टान कहाँ? जो आपका बिहार रोहतास जिला में पाया जाता है। किस नदी द्वारा स्वाधिक मलय अपने तलिए पर निक्षेपित किया जाता है? किस नदी के द्वारा? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो कोसी नदी के द्वारा किया जाता है। कोसी नदी का उद्गम जो गोसाई धाम नेपाल से होता है। इनकी लंबाई 260 किलोमीटर है। डिकी बर्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों के असेंबली के सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो सर हेस्टिंग इस्मिल्ला के द्वारा। यह योजना इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, तो इन्हीं का नाम दे दिया गया था। और डिकी बर्ड प्लान जो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा बनाया गया था। डिकी बर्ड प्लान जो लॉर्ड माउंटबेटन का है, दोनों चर्चित है। संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? जो मध्यावधि चुनाव कहा जाता है, बीच में जो चुनाव होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकार के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामले में संरक्षण प्राप्त होता है? तो उपयोग सभी, जो अनुच्छेद 25 लेकर 28 तक होता है, जो धार्मिक मामला अनुच्छेद और भाग 3 में जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत धार्मिक मामला जो अनुच्छेद 25 ले 28 के बीच होता है। सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड 6,00,000 रुपये से बढ़ाकर 8,00,000 रुपये कर दिए हैं, जो सितंबर 2017 में। भारतीय संविधान अनुच्छेद 49 में प्रावधान करता है
किसका प्रावधान करता है 49 में? तो आइए प्रथम देखते हैं जो पर्यावरण संरक्षण संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करता है जो नहीं, अनुच्छेद 48 के क में है। राष्ट्रीय महत्व एवं स्मारक स्थानों वस्तुओं का संरक्षण करना, हाँ आपका ऑप्शन बी सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि यह अनुच्छेद 51 में है, तो आपका ऑप्शन बी होगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त नहीं होने पर उनकी जमानत राशि जब्त कर दिया जाएगा, जो ऑप्शन सी होगा, जो 1/6 जो जमानत राशि के तौर पर 15,000 रुपये जमा किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति को पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है? अनुच्छेद 304। डेबर आयोग का संबंध किससे है, जो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह से, जो बेबर आयोग का संबंध है, यह 1975 में आया था। किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्ति कार्यों का वर्णन किया गया है? किस अनुच्छेद में, तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो अनुच्छेद 243 के क में किया गया है, जो पंचायती राज्य के बारे में जो अनुच्छेद 243 से 243 के अण के बीच व्याख्या किया गया है, जो इसमें शक्ति का अनुच्छेद 243 के क में बताया गया है। असत्य मिलान का चयन करें, इसमें कौन सी असत्य दिए गए हैं, आइए देखते हैं। जो इंद्रजीत गुप्त समिति 1998 में जो सरकार द्वारा चुनाए खर्च करने वाले पर गठित किया गया था, सही है। दूसरा, जीएस वर्मा समिति जो चुनाव आयोग में संशोधन के लिए किया गया था, नहीं, आपका ऑप्शन बी गलत है। जो जीएस वर्मा समिति जो अपराध में कानून में संशोधन के लिए किया गया था 2013 में। और तनखा समिति जो कोर समिति है, यह चुनाव कानून एवं चुनाव सुधार से जुड़े तमाम मामलों की जांच के लिए किया गया था, यह कथन सही है, जो 2010 में हुआ था। दिनेश गोस्वामी समिति जो चुनाव सुधार है, यह 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह निम्न आकृति जो त्रिभुज है स्वस्थ है, आयत है जो वृद्धि है, वृत्त है जो पुरुष को प्रदर्शित करता है, तो आकृति उस क्षेत्र को बताइए जिसमें पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है और स्वस्थ है पर वृद्धि नहीं है, वृद्धि आपका चतुर्भुज नहीं है, तो किसमें चतुर्भुज का नहीं है, तो आपका ऑप्शन ये दो है, दो में चतुर्भुज नहीं है, आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कागज को तीरों द्वारा प्रदर्शित बिंदु रेखा पर मोड़ आ जाता है तो फिर काटा जाता है, तो मोड़ खोलने के बाद कागज कैसा दिखाई देगा, जो यह प्रतीक आपको दर्शाया गया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो सही होगा बी, इधर है तो इधर खुलेगा, तो यह कागज मोड़ा गया है तो दोनों साइड में बराबर होगा। दिए गए प्रश्न आकृति के चार उत्तर आकृतियों में आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, जो यह आपका प्रश्न में है, तो इसका आपका ऑप्शन बी होगा। इसमें कौन सा भरा जाएगा सही होगा, तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो इसका इस प्रकार है, तो इसका संबंध इस प्रकार से होगा, जो ऑप्शन ए में है। दिए गए चार विकल्पों में विषम शब्द का चुन करें, यहाँ कहाँ वहाँ, यह प्रश्नवाचक शब्द है जबकि पासा नहीं है। भारत में साख निर्धारण के संबंध में क्रिसिल का संस्थापक कब किया गया था, जो आपका ऑप्शन 1987 में किया गया था। जीएसटी परिषद में केंद्र एवं राज्यों से मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, जो 33 होती है। जीएसटी परिषद में केंद्र एवं राज्यों को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 33 होती है। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किस समिति प्रस्तुत करता है, तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो सुखमय चक्रवर्ती समिति प्रस्तुत करता है। स्वामित्व योजना कब प्रारंभ हुआ था, स्वामित्व योजना कब प्रारंभ हुआ था, जो 24 अप्रैल 2021 को हुआ था, 24 अप्रैल 2021 को स्वामित्व परियोजना स्टार्ट हुआ था। ऑपरेशन फ्लड अर्थात श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ होता है, तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो चौथी पंचवर्षीय योजना से, प्रथम में जो कृषि से, पांचवी में गरीबी उन्मूलन से है।
लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? जो अनुच्छेद 266 के क्लाउज 2 में किया गया है। जेंडर वोटिंग का संबंध पहला प्रयोग किस देश में किया गया है? जो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था 1982 में। वहीं भारत में आपको 2005 से 2006 के बीच जेंडर बजटिंग का प्रयोग किया गया है। भारत में कब किया गया है? 2005 से 2006 के बीच। आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपये में कितनी बार अवमूलन किया गया है? जो 3 बार किया गया है। फर्स्ट बार जो 19 सितंबर 1949 को किया गया, सेकेंड जो 5 जून 1966 में किया गया, और तीसरी बार जो 3 जुलाई 1991 में किया गया। यह 2014 में यह विमुद्रीकरण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो एक छात्र इतना आगे मैथ का क्वेश्चन को अभी छोड़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन आवेग का उदाहरण नहीं है? इनमें कौन सा आवेग का उदाहरण नहीं है? आपका ऑप्शन सी होगा, जो ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, यह आवेग का उदाहरण नहीं है। यही देख लेते कौन कौन सा है। कारेट के खिलाड़ियों द्वारा हाथ से प्रहार से ईंटे की पट्टी तोड़ना है, यह आवेग का उदाहरण है। गादा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बनी हुई फर्श पर गिरने पर तुलना में कम चोट लगना। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग करना है, यह सभी आवेग का उदाहरण है। जबकि ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना आवेग का उदाहरण नहीं है। यदि दो गैस का अणुभार क्रमशः M1 M2 तथा उसकी ध्वनि की चाल V1 V2 है तो सही संबंध कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी होगा। विशिष्ट ऊष्मा का मान स्वाधिक होता है जो पानी का होता है, वहीं बर्फ का 0.5 होता है, एल्कोहल का 0.6 होता है और तारपीन का 0.42 होता है। सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग का ज्ञात किया था? प्रकाश का वेग किसने प्राप्त ज्ञात किया था? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो रोमर ने ज्ञात किए थे। रोमर। विशिष्ट चालकता के एसआई इकाई क्या होती है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स सही है। ओम मीटर मीटर इनवर्स सही है। सेमिन महो है, महो ओम का उल्टा महो हो जाता है। सेमेन मीटर इनवर्स से आपका ऑप्शन डी होगा, जो सभी सही है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ इसमें एंटीमनी है, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। एक्स किरणें का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, एक्स किरणें का पता लगाने के लिए जो बेरियम प्लेटिनम साइनाइड का प्रयोग करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो दादा भाई नरोजी के द्वारा। उस समय वायसराय भारत के लॉर्ड डफरिन थे, जब दादा भाई नरोजी ने जो भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर सुझाव दिए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उस समय भारत में वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा किया था? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो लाजपत राय ने। किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था? भूटान युद्ध किसके शासनकाल में? लॉर्ड जॉन लॉरेंस के, जो 1865 में यह युद्ध हुआ था। बुर्ज होम एवं गुफर रॉल नामक स्थान किस काल का है? जो नवपाषाण काल का है। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी है? जो संस्कृत भाषा में। चोलकालीन मुद्रा नियमन से संबंधित समिति को कहते हैं पुनवारिम। गजनवी वंश का संस्थापक अल्पतगिन प्रारंभ था, जो किसके द्वारा? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो एक तुर्क दास के द्वारा हुआ था, जो 1954 से 1961 के बीच। अकबर द्वारा पराजित मलवा के शासक बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती का संबंध समाधि क्या कहा जाता है? जो उज्जैन से उनका संबंध है, संबंध पूछा है। सुमिलित बिहार के व्यक्तित्व एवं विशेषता के देखते हैं, जो महोषध कुमार जो बौद्धकालीन वैद्य थे। वाचिस्वस्प मिश्रा जो भाष्यकार
जो बेरो चान जो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तो आपका ऑप्शन सी होगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक जो महादेव गोविंद रानाडे थे या आत्माराम पंडुराम थे जो 1867 में फ्रांस की राज क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा थी, क्या थी फ्रांस की? जो टेले लिब्रे लिब्रे मुद्रा थी। टेले जो भूमि कर है, तीथे जो धार्मिक कर है, और पाउंड यह रुपया है एक मुद्रा है। नेपोलियन का पिता का नाम क्या था? नेपोलियन का पिता का नाम क्या था? तो आपको ऑप्शन ये होगा जो काल बोनापार्ट था। जो ट्रांसलेशन द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश जो तुमने गलती की, इसका क्या होगा? तुमने गलती की जो यू हैव मेड ए मिस्टेक होगा। ए रिपोर्ट डिस्कंसर्ट, इसका ऑप्शन आपका डिटेल होगा। 62 का ऑप्शन जो आइए इंग्लिश छोड़ते हैं, आइए यहाँ पर किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश एवं ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा एवं उत्सर्जन अवशोषण सतत नहीं होती है बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे समेष्ट में होती है? तो किसका है? तो आपका प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत है। निम्न में से कौन एक हाइड्रोजन अम्ल है? इनमें से कौन सा है एक हाइड्रोजन अम्ल का उदाहरण है? जो HCl है, HCl एक हाइड्रोजन अम्ल का उदाहरण है। सूची का मिलान करते हैं। जो बायल का नियम भी समानुपाती 1/P होता है। चार्ल्स का नियम जो भी समानुपाती T होगा। दाब का नियम जो पी समानुपाती टी होगा। तो आपका ऑप्शन डी होगा। निम्न में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क नहीं अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो आपका ऑप्शन डायरोस्पोर जो यही कार्नेलाइट या मैग्नीशियम का है। फ्लोरोस्पार जो कैल्शियम का है। एजुराइट जो कॉपर का है। ग्लोबल साल्ट के एक अणु में रावा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? जो 10 जल का अणु उपस्थित होते हैं। जो इनका सूत्र है Na2SO4 10H2 होता है। तो जल का मात्रा 10 है तो 10 अणु होगा। निम्न में से किसका उपयोग स्याही बनाने एवं मोहर लवण बनाने एवं रंग उद्योग में किया जाता है? किसका उपयोग जो स्याही बनाने मोहर या रंग के उद्योगों में उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। फेरस सल्फेट का सूत्र होता है Fe(SO4)×7H2O होता है। हाइलोजन शब्द का अर्थ क्या होता है? हाइलोजन शब्द का अर्थ होता है लवण उत्पादक। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य जो एसीटिलोन होता है। इनकी खोज US के बिलियंस ने खोजे थे। एल्काइन श्रेणी के खोज जो USA अमेरिका के बिलेंस ने खोजे थे। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। एंटीपायरेटिक्स का उपयोग किसमें किया जाता है? जो शरीर में दर्द या बुखार आता है तो एंटीपायरेटिक्स। मीराबाई किस काल की कवित्री है? जो भक्ति काल की है। सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन हरिशंकर परसाई हैं। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत में अति उपसर्ग है। अद्भुत शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? अद्भुत का समानार्थी शब्द क्या है? तब भावना भयानक। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है? अस्थूल है। जो एक स्थान पर ही टिक कर नहीं रहता है वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? आयावर। निम्न में अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। जो आवश्यकता वाल्मीकि तात्कालिक और नारायण नहीं नारायण होगा। आपका ऑप्शन डी गलत है। ना होगा। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता हूँ, इस वाक्य में दोष क्या है? जो अवंती दोष है। रोड आइलैंड रेड क्या है? जो एक मुर्गी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या हो जाता है? जो 81:19 होता है। जो जल की मात्रा 80% होता है।
24 जोड़ी गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? जो चिंपांजे में 24 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। वहीं मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि बंदर में 21 है और घोड़ा में 64 है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कहते हैं, पेड़ों के छाल उगने वाले कोटिकोल्स कहा जाता है, कोटिकोल्स कहा जाता है। केंचुआ का संबंध असत्य है, इनमें केंचुआ का संबंध किससे है? इनमें 4 जोड़ी हृदय होता है, सही है। इसके जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, सही है। एक नेत्र होता है, नहीं, आपका ऑप्शन सी गलत है, जो नेत्र नहीं होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियाँ कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियाँ जो ऑस्टियोपीडियस है, मंड में घुलनशील सरका में परिवर्तन करता है, तो आपका ऑप्शन एमाइलेज। ब्रिक में बनाने वाली पत्थरी बना होती है, ब्रिक में बनने वाली पत्थरी बना होती है किसका? तो कैल्शियम ऑक्सलेट। आपका इसका सूत्र C2O4 होगा, C2O4 जो कैल्शियम ऑक्सलेट। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो हैदराबाद में है। पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है? पानी में अधिक आर्सेनिक विष होने के कारण कौन सी बीमारी होने लगती है? जो कैराटोसिस। 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पादन होती है, 1 ग्राम वसा में ऊर्जा कितना उत्पन्न होती है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो 9.3 किलो कैलोरी होता है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत का आर्थिक विकास दर कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है? जो 7%। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार के आगामी लक्ष्य कब तक है? 2025 तक है। नॉर्मल बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नॉर्मल बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्वामित्व नायक को। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में कहाँ मनाया गया है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो इंदौर मध्य प्रदेश में। 1 पंचायत में 1 खेल मैदान योजना किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? जो केरल में प्रारंभ किया गया है। 1 राज्य में 1 खेल मैदान अवश्य होना चाहिए, यह योजना जो केरल में बनाया गया है। जय हिंद, जय भारत।